अरे आ गए, कहाँ है कार्तिक? साथ नहीं लाए उसे? अरे हम यहाँ आंखें बिछाए बैठे हैं और अब और कितना इंतजार करवाओगे? साथ ले आना चाहिए था ना उसे, कहाँ है वो? कीर्ति के साथ पता नहीं यहाँ आ रहा है कि कहीं और। नहीं तिवारी जी, आज नहीं, मना कर दीजिए। हिम्मत मत हारिए, हो सकता है वो आ जाए। कुछ नहीं कह सकते, कुछ बात भी तो नहीं हो पाती ना हम दोनों के बीच। मुझे कहना नहीं आता, वो समझना नहीं जानता। दोनों एक दूसरे तक अपने दिल की आवाज पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे, मगर उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। हम तो अपनी पूरी तैयारी करके रखते। उसका कमरा ठीक करा दिया तुमने? वो क्या, अच्छा है जैसे जैसी उसे पसंद है। वो भी तैयार है। मैं भी किससे कह रहा हूं, उससे बेहतर तो तुम समझती हो। काश वो भी ऐसी समझने लगे तुम्हें। हमें पता नहीं, पता नहीं मतलब तेरे साथ ही था ना वो, कहाँ गया? दरअसल मैं कार्तिक को घर ले ही आ रही थी, लेकिन वो बीच रास्ते में गाड़ी से उतर गया और मैं कुछ तो कोई काम ठीक से नहीं होता। पता नहीं रिश्ते संभालना कब सीखेगी तू। मेरे तो समझ में नहीं आता इस घर के लोग कब समझेंगे हमें, कब देखेंगे हमारे पोते को। कहीं इसी तरह तरसते हुए मर ना जाए आप। माँ, क्यों इस तरह की बात करी है? संभालो खुद को, आप चिंता मत कीजिए। अखिलेश तू तो बात ही मत कर हमसे, दूर हट। इस समय हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है हमारा पोता कार्तिक। वो आएगा तभी जिएंगे हम, वरना तो आप कार्तिक। Congratulations, दीदी, BFF गिल्टी नहीं है। Thank you. आपने उन्हें innocent proof करने के लिए इतनी मेहनत की। Thank you so much. पर हमने देर कर दी मिश्ती, केस कोर्ट तक नहीं पहुंचा, लेकिन लेकिन सजा कईयों को मिली। नायरा, क्या हुआ? नायरा को दवाई क्यों ची? बताओ। Princess, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी चोट लगी है। ये लेप लगा था। बस हो गया वर्षा मामा, जख्म जब ताजा हो ना तभी परेशान करता है, जब भर जाएगा तो याद भी नहीं रहेगा। अखिलेश डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? फोन करके पूछो भाई। भाई साहब बात कर लिए, वो आते ही होंगे। प्लीज पानी पी लीजिए। बिल्कुल सही सही, बस कार्तिक को घर पे ला दो। कार्तिक, रियली वेरी सॉरी, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो और जल्दी से यहाँ मिलने आ जाओ। लव यू। Thank you.
तुम जहाँ भी हो प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही है और वो हमारी डॉक्टर की किसी की भी नहीं सुन रही है। She just wants you. हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पर एटलीस्ट दादी के लिए प्लीज वापस आ जाओ। कार्तिक को घर पे ला दो। कार्तिक, तुम सुन रहे हो ना कार्तिक? परिवार एक हो गया। बड़ी से बड़ी मुश्किल टल जाती है जब अपनों ने हाथ थामा हो। तुम देखना बेटा। मैं देखा है दादी, जब आप किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तब तब सिर्फ मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था। मेरे परिवार ने मुझे ट्रस्ट किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, यही तो परिवार होता है बेटा। जब सारे दुनिया मुंह मोड़ लेती है ना, तो परिवार ही अपने साथ खड़ा रहता है। मैं अपने बच्चे की नजर उतार लूं। वो तो मैं देती हूँ ना माजी। हाँ, दे दे, जल्दी दे। माजी, माजी, माजी। हाँ बेटा, ये बांट दो। मधुसूदन, घी के दिए जलाओ घर में। घर का चिराग लौटा है घर में। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।